यार शांत रहो भाई, शांति से बोलो भैया। चलो भैया आज ये कैसी रैली थी? रैली थी और कहाँ से कहाँ तक थी? 5 अगस्त को बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जो हिंदुओं को लक्ष्य करके वहाँ पर हिंसा की गई, हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदू बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया, हिंदुओं के घर जलाए गए, हिंदुओं की हत्याएं की गई, इसके विरोध में हम सभी लोगों ने आज हिंदू रक्षा समिति के बैनर तले एक हिंदू जनाक्रोश रैली का आयोजन किया है, जो कि गांधी पार्क से होते हुए डिग्री कॉलेज चौराहे पर आया है और यहां पर नगर मजिस्ट्रेट महोदय को हम सभी लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और ये मांग की है कि वहां पर हिंदुओं का उत्पीड़न बंद किया जाए। इस बीच क्या आपको परमिशन नहीं था बैरिकेडिंग तोड़नी पड़े? अब यहाँ स्थानीय प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि पुलिस भर्ती की परीक्षा चल रही है, ऐसे में आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है कि अपने आपका जो मार्ग हमने उसकी अनुमति दी थी उसको थोड़ा सा लघु कर लें, तो हम लोगों ने लघु मार्ग का प्रयोग किया है क्योंकि 48 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, उनके भविष्य का भी प्रश्न है, तो ऐसे दृष्टिगत हम लोगों ने उनका सहयोग करते हुए अपने मार्ग को छोटा कर दिया है, हमारा उद्देश्य भी पूरा हो गया, हमारा विरोध प्रदर्शन भी हो गया। ज्ञापन दिया कितने सूत्री जी? जी ज्ञापन कितने सूत्री दिया? ज्ञापन हमारा 5 सूत्रीय है। अच्छा राकेश टिकैत ने जो बयान इसमें मांगे हैं कि वहाँ के जो हिंदुओं के घर जलाए गए, हिंदुओं की हत्याएं की गई, उन सभी पर तत्काल रोक लगाई जाए, प्रतिबंध लगाया जाए और वहां की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे और जो भी हिंदू परिवार प्रभावित हुए हैं उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाए और जिन लोगों ने हिंदुओं की दुकान लूटी है, हिंदुओं की हत्याएं की गई हैं, उनके भी विरुद्ध आपराधिक अभियोग चलाया जाए। सलमान खुर्शीद और टिकैत ने कहा है कि बांग्लादेश वाली स्थिति यहाँ हो जाएगी, हिंदू संगठन उसको कैसे देखता है? वो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं जो कि राष्ट्रवादी विचारधारा उनकी कभी नहीं रही ही नहीं, वो हमेशा अराष्ट्रीय तत्वों के हाथों में खेलते रहे हैं और मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा, ये देश सबका है, उनका भी है, हमारा भी है और बांग्लादेश अगर बनेगा तो वो भूल रहे हैं कि उनका घर भी जलेगा, अगर लोग हमारा घर जलाएंगे तो वो आग उनके घर तक भी पहुंचेगी, ऐसे में वो ऐसा कुछ ना करें ना ऐसा बयान दें जिससे यहाँ के राष्ट्र विरोधी तत्व भारत के विरोध में जाएं, देश के विरोध में जाएं, क्योंकि आग जब आग शहर में आग लगेगी तो स्पष्ट है कि आग उनके यहाँ भी पहुंचेगी। वर्मा जी आपने कहा कि सभी हिंदुओं का है टिकट भी हिंदू है, ऐसे लोगों के लिए आपके क्या है विचार? उनको भगवान सद्बुद्धि दे क्योंकि कुछ अराष्ट्रीय तत्वों के कारण उनका मन मस्तिष्क जो है दिग्भ्रमित हो गया है और वो भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी बातें कर रहे हैं, भारत में सभी को समान अधिकार प्राप्त है, यहाँ की सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सरकार चला रही है, ऐसे में उनका ये वक्तव्य अत्यंत निंदनीय है और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो लोग बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं उनको तत्काल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए।